नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी टुडे इंडिया और हमारे साथ हैं मथुरा की राजनीति के चाणक्य और उत्तर प्रदेश के एक कद्दावर राजनीतिज्ञ पंडित श्याम सुंदर शर्मा, जो माट विधानसभा क्षेत्र से बसपा के विधायक भी हैं और वर्तमान में आप गठबंधन के साथ हैं। और आजकल क्या चल रहा है मंत्री जी, आप ही से पूछें हम, क्या कह रहा है आपका जिला? पहले हमारा जिला एक गठबंधन है और कई पार्टियों का, खासतौर से तीन पार्टियों का है जी, और तीन पार्टियों की गंगा, यमुना और सरस्वती का गठबंधन है। तीनों मिलकर के प्रयागराज की त्रिवेणी बनाई है और त्रिवेणी के बाद केवल एक धारा रह जाती है, वो गंगा की धारा जो मंजिल तक पहुंचती है। ये धारा निश्चित रूप से दिल्ली तक पहुंचेगी, गंगा सागर दिल्ली में बनाएगी। ये धारा दिल्ली तक पहुंचेगी? हाँ, मथुरा की। और उत्तर प्रदेश को लेकर क्या आकलन है आपका, क्या लगता है आपको, क्या परिदृश्य है? परिदृश्य उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि जो युग है इस समय, 5 साल के अंदर अंदर जितने लुभावने वायदे जो हुए थे, एक की भी अग्नि परीक्षा कसौटी और इम्तहान पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी है। वो चुनाव को कहाँ ले जाना चाहती है? वो चुनाव को चौकीदार, चाय वाला, उस पर टेकना चाहती है। एयर स्ट्राइक कोई बात करें, आतंकी धराशायी, हाँ, इनकी कोई बात करें, तो इससे बड़े बड़े काम का पिछली गवर्नमेंट ने किए, जो कहता केवल मैंने किए, अगर तुमने किए तो सबसे ज्यादा भी अगर फौजी कभी मरे हैं, हमारी तो शहीदों की भूमि माट भूमि, वहाँ आज भी एक डेड बॉडी आ रही है जी, तो बौछार लगी हुई, हाँ, तो शहीदों की भूमि हमारी है, पूरा ब्रजभूमि भी पूरा शहीदों का रहा है, तो सबसे ज़्यादा मरने की संख्या अगर कोई होगी तो इसी रिजिम में हुई है, कभी और नहीं हुई है। भाषण देते हैं अलगाववाद की, तो क्या ये चुनाव के समय में ही मरते हैं फौजी? नहीं, चुनाव नहीं, इनके टाइम पूरे साहब 5 वर्ष मरे हैं। अलगाववाद की बात करते हैं, हम अलगाववादियों से ही करेंगे, महबूबा से बड़ा अलगाववादी कौन है? ये भाजपा को कोई नेता बता सकता है? जिसने प्रति सेकंड, प्रति क्षण, प्रति पल अलगाववाद की बात की हो, इन्होंने दोस्ती का हाथ अगर बढ़ाया किसी से तो महबूबा से बड़ा अलगाववादी कोई नहीं है। अलगाववाद की चर्चा करो, और इसलिए अलगाववादियों से दोस्ती तो तोड़ो, भी नहीं तोड़े। आज सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि पूरा देश चाहता है कि संप्रभुता की बात कोई क्यों नहीं कर रहा, इस देश की रचना की बात कोई क्यों नहीं कर रहा, निर्माण की बात क्यों नहीं कर रहा, विकास की बात क्यों नहीं कर रहा, समता की बात क्यों नहीं कर रहे, ममता की बात क्यों नहीं कर रहे, भावों की बात क्यों नहीं कर रहे, दिलों को जोड़ने की बात क्यों नहीं कर रहे, इसको कोई बात नहीं कर रहा, केवल चायवाला और चौकीदार। आज इस देश के अंदर जो बेरोजगारी है, ये देश मांगता है जवाब, उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? खाली ये कहने से कि पकौड़े बना करके बेच रहा है आदमी, नौजवान, इससे समाप्त नहीं होती है सारी चीज़ें। आज देश हिसाब मांगता है नौकरियों का, उसे जवाब कोई देने को तैयार नहीं है। देश जवाब मांगता है नोटबंदी का, जितनी लेडीज थी उनके एक एक जो कोर्चा था वो भी खत्म हो गया, आज किसी लेडीज के पास 1 पैसा रुपया नहीं है। ये देश मांगता है जवाब पूरा इसका, GST पे जवाब मांगता है। जब कांग्रेस पार्टी थी पिछली, उन्होंने कहा हम 18% से ज़्यादा नहीं करेंगे, और 12% एग्री हुई, इन्होंने 28% एग्री कर दिया। ये देश जवाब मांगता है इस समय, आज सारी चीज़ ये चल रही है। अब बताओ, राम के मंदिर की बात लेके चले, बोल गए उसे तो समाप्त,
हनुमान जी को जातियों में बांटना, इसे कभी हनुमान जी माफ नहीं करेंगे भाजपा को। एक कहता है वो मुसलमान थे बीजेपी का, कोई और नहीं कहता। एक कहता है वो जाट थे, एक कहता है वो ठाकुर थे, एक कहता है कुछ और थे, दलित थे। अब कौन थे पहले थे, तुम ही तय करो कौन थे। एक गदा घुमाई हनुमान जी ने, एक गदा में 5 सूबे गए, अब एक और घूमेगी दिल्ली जाएगी। नोट कर लीजिए, हनुमान जी वो अवतार हैं। आज आवश्यकता इस बात की है, वो चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है जिसे देश का नौजवान चाहता है, देश का किसान चाहता है, देश का श्रमिक चाहता है, देश में गरीब माँ के कोख से जन्म लेने वाले लोग चाहते हैं। उस पर कोई चर्चा कोई नहीं कर रहा है, केवल उसको छोटी बातों में उलझा करके सेंटीमेंट उभारना चाहते हैं। तो मेरा आग्रह है ब्रजवासियों से कि गठबंधन का बना है उमर नरेंद्र सिंह जी हैं, उनके लिए मुक्त कंठ से, मुक्त हृदय से, मुक्त वाणी से, मुक्त नाभि से पूरा आशीर्वाद दें, और देंगे भी लोग। और हम आलोचना किसी करते नहीं हैं, लेकिन हमारा 5 वर्ष में मथुरा को NCR में भी शामिल नहीं कर पाई बीजेपी। भारी छोड़िए किसी बात को, किसी जितनी योजना चलाई होंगी उनमें ब्रजभूमि किसी में शामिल नहीं हुई है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस ब्रजभूमि ब्रजवासियों को कुछ भी नहीं हो सकता। आपका सहयोग रहा था हेमा जी को, और आज आप ये बात कह रहे हैं तो जरूर आपके अंदर का भी दर्द होगा, आपका क्षेत्र भी अछूता रहा होगा उनकी सांसद निधि से, शायद ऐसा लग रहा है। मैं सांसद निधि की बात मैं नहीं करता, निधि की कमजोर लोग बात किया करते हैं। हमारी वाणी में दम है, हमारी लेखनी में दम है, हमारे पैरों में दम है, हमारे हाथों में दम है। गांधी जी के पैर हैं और मदर टेरेसा के हाथ हों तो मंजिल अपने आप हाथ आ जाती है। इसलिए मैं निधि की बात नहीं कर रहा, हमने उनको सपोर्ट भी किया था जी, लेकिन उन्होंने तो हमें सपोर्ट नहीं किया, हमारे खिलाफ़ चुनाव प्रचार में गई थी। ओके, जिला पंचायत हमारे खिलाफ गई थी, गई थी कि नहीं गई थी? वो तो उनकी पार्टी की नीति थी। तो मेरी पार्टी की नीति है, हाँ ये मेरी पार्टी की भी नीति है। तो सवाल पार्टी नीति का नहीं है, सवाल है इस ब्रजभूमि को खड़ा करने का। और यही व्यक्ति केवल नरेंद्र सिंह ऐसा है जो रिक्शे वाले की भी लड़ाई लड़ता है, जो छोटे गरीब माँ की कब से जन्म लाने उनकी लड़ाई भी लड़ता है, किसी दुकानदार की भी लड़ाई लड़ता है। है कोई मथुरा जिले में इसके अलावा कोई लड़ाई लड़ने वाला? और लड़ाई के लड़ते लड़ते हमसे मदद भी लेते हैं, हमने मदद दी है और आज भी दे रहे हैं और कल भी देंगे। और हाथ जोड़ के प्रार्थना पूरी ब्रजवासियों से मेरी है कि मुक्त कंठ से, मुक्त हृदय से, मुक्त नाभि से नरेंद्र सिंह को आशीर्वाद दें और दिल्ली पहुंचाएं। बाकी ये हमारा वकालतनामा भी है, हमारा विश्वास भी है। मंत्री जी, आप बहुत वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, इसके बावजूद आप अपने शब्दों को तोल मोल कर बोलते हैं, लेकिन आजकल राजनीति की मंडी में ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे राजनीति की मंडी बड़ी नशीली है, इस मंडी में सभी ने मदिरा पी ली है और शराबी बन गए हैं सभी। शराबी तो इसलिए है कि लोग शराब पी, शराब में हम लोग तो वो नहीं हो सकते ना, शराब खाने में जाएं और दूध पी के आएं और शराबी कहलाएं, ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन है किसी में हिम्मत, इस देश में, इस देश का बादशाह बिना प्रोग्राम के, बिना शेड्यूल्ड के पाकिस्तान गया, उसकी सेकंड टू सेकंड उसकी विजन जारी करवा दो ना। तब क्या था? तब पाकिस्तान नहीं था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ बुलाया गया, तब प्राइम मिनिस्टर नहीं था। तो आज चुनाव के मौके पर इन चीज़ों को करना, जिस तरह की शब्दावलियाँ चल रही हैं, जिस तरह की टिप्पणियाँ चल रही हैं, ये इतनी गिरावट आई है, इतना गिरावट आई है। मैं ख़ास तौर से इस देश के बादशाह के लिए बिहारी जी से प्रार्थना करूँगा, हे बिहारी जी, इस देश के बादशाह को संबल दे, शक्ति दे, आशीर्वाद दे और राजनीति करने का ढेर सारा सबूर दे दे। ओहो, ये आपने कौन सा आशीर्वाद दे दिया मंत्री जी? दे दिया, राजनीति करने का इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कभी भी जो हो रहा है। अब कोई बात है, प्रियंका गांधी दूसरी पार्टी की नेता है, लेकिन उसको कह दें पप्पी है, बीजेपी तो कह रही है, इन शब्दों का इस्तेमाल कभी होना चाहिए? शराब और समाजवादी पार्टी
और राष्ट्रीय लोकदल और बहुजन समाज। शराब और शराब में अंतर नहीं, कुछ उसका अर्थ भी नहीं जानते लोग। पहले अर्थ का अर्थीकरण तो कर लें, राजनीति को इतना कभी नहीं गिराना चाहिए जितना गिराया जा रहा है। तो आने वाला जो दृश्य है संसद का, वो कैसा आपको नजर आ रहा है अपने कल का दिन? कल का दिन हमारा गठबंधन का है, आज का दिन भी हमारा है और कल का दिन भी हमारे गठबंधन का होगा, इस विश्वास के साथ में। सरकार गठबंधन बनाने में क्या सक्षम रहे? क्यों नहीं सक्षम है? गठबंधन सक्षम है, नेता नहीं है कोई आपस में। कौन नेता नहीं? चर्चा कर रहे हैं बीजेपी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के नेता स्वयं में बड़ी डायनेमिक लीडर है, स्वयं में अखिलेश यादव खुद भी हैं, चौधरी अजीत सिंह जी भी हैं, तो ऐसा तो क्यों कह सकते हैं आप लोग, एक से एक डायनेमिक है। चलिए, आपने इतनी बातचीत की, इतना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे साथ रहे पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री पंडित श्याम सुंदर शर्मा, जो माठ क्षेत्र के विधायक भी हैं और उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता भी हैं, मथुरा की राजनीति के चाणक्य भी हैं। आपका ये कहना है कि मथुरा से जो त्रिवेणी बहेगी वो गंगा दिल्ली तक पहुंचेगी। आपका सीधा सीधा इशारा यही है कि मथुरा से इस बार गठबंधन की जीत होगी और जिनका आपने सपोर्ट किया था उनका सपोर्ट आप इस बार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिछले चुनावों में उन्होंने आपका सपोर्ट नहीं किया था पार्टी की नीति के चलते, और अब कह रहे हैं कि अब गठबंधन के साथ रहना हमारी पार्टी की नीति है। देखना होगा कि परिदृश्य आने वाले चुनाव का क्या सामने आता है। टीवी टुडे इंडिया के लिए अपने साथी चंदन सैनी के साथ योगेश खत्री।